हेलो गाइस, वेलकम टू अमिका जिन्स। आज हम बात करेंगे मेनली पिथ एंड सब्सटेंस की डॉक्ट्रिन का, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके अंदर बात की गई है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, जिसका मतलब है पिथ एंड सब्सटेंस मीन्स ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट और स्टैट्यूट। कि ट्रू ऑब्जेक्ट क्या है उस एक्ट का, उस एक्ट का ट्रू ऑब्जेक्ट जो होगा ना, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। चलो और एक्सप्लेन करते हैं। हमें पता है कि यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर के पास कुछ एरियाज़ हैं, रिस्पेक्टिव एरिया हैं, जिसके अंदर वो लॉ बना सकते हैं, और वो सुप्रीम अथॉरिटी होती है उसके अंदर लॉ बनाने के लिए, ठीक है। वो क्या नहीं कर सकते, वो एनक्रोच नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते एक दूसरे के स्फीयर में। शेड्यूल 7 जो है वो तीन प्रकार की लिस्ट देता है हमें, ठीक है। कौन कौन सी लिस्ट होती हैं, वो यूनियन लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्क्यूरेंट लिस्ट होती है। तो शेड्यूल 7 ने हमें बताया कि तीन लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्क्यूरेंट, जिसके ऊपर अपना लेजिस्लेचर यूनियन और दोनों बना सकते हैं। कॉन्क्यूरेंट के ऊपर कौन कौन बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा ना, सेंटर स्टेट का लेजिस्लेटिव रिलेशन, तो उसका आई बटन में लिंक मिल रहा होगा, वहाँ पर जाके ज़रूर देखो, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि शेड्यूल 7 में तीन प्रकार की लिस्ट है जिसके ऊपर कौन कौन लॉ बना सकता है। इफ़ एनी लॉ पास्ड बाई एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम मतलब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से, अगर दोनों में से कोई एक भी लॉ पास करता है और वो एनक्रोच करता है किसी सब्जेक्ट के मैटर को, जो कि दूसरे का सब्जेक्ट मैटर है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि स्टेट कोई ऐसा लॉ बना रहा है जो सेंटर के सब्जेक्ट को एनक्रोच कर रहा है, मतलब स्टेट जो है कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है उसके ऊपर लॉ बनाने के लिए, तो कोर्ट क्या करेगा, यहाँ पर अप्लाई करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, और क्या डिसाइड करेंगे कि ये जो अथॉरिटी है ये कौन सी कोर्ट, जिसने लॉ बना दिया, ठीक है, वो कॉम्पिटेंट है लॉ बनाने के लिए या नहीं, ठीक है। अगर वो देखेंगे कि अगर कॉम्पिटेंट हुई तो क्या होगा कि जो अथॉरिटी है जिसने लॉ बना दिया, तो उसका लॉ देखेंगे कि हाँ अगर कॉम्पिटेंट है तो भाई फिर उसको क्या करेंगे, वैलिड घोषित कर देंगे। अगर कॉम्पिटेंट नहीं हुई तो उसको अल्ट्रा वायस घोषित कर दिया जाएगा, वॉइड घोषित किया जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक बात आप ध्यान रखिए कि इसमें क्या होता है कि हमें क्या देखना है, लॉ क्यों होते हैं, लॉ होते हैं लोगों की भलाई के लिए, ठीक है। अगर लोग लॉ को फॉलो करेंगे, उनका भला हो रहा है, तो गवर्नमेंट को कोर्ट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर ज़्यादा ज़रूरी मेन टॉपिक है या लॉज हमारा मेन टॉपिक है। तो केस आता है प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ खुलना। इस केस में क्या हुआ, इस केस में ना वैलिडिटी को चैलेंज किया गया किसके, बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट 1946 के। और ये देखो यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, प्रिवी काउंसिल का केस है ये, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इसको चैलेंज किया गया इस ग्राउंड पे कि इसने क्या किया, लिमिट कर दिया अमाउंट को और रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो मनी लेंडर्स ले सकते हैं, ठीक है, एज किसी लोन के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि हमें इस एक्ट से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक्ट ना हमारा प्रोमिसरी नोट्स का सब्जेक्ट मैटर लेके आ रहा है, प्रोमिसरी नोट्स नाम का सब्जेक्ट मैटर हमारे पास ये इंक्लूड कर रहा है। ये सब्जेक्ट मैटर किसका, प्रोमिसरी नोट वाला, ये है सेंटर का। तो पिथ एंड सब्सटेंस अप्लाई की जाती है प्रिवी काउंसिल के द्वारा, और क्या बताया जाता है, वो कहते हैं कि एक्ट जो है वो वैलिड एक्ट है, माना कि ये सेंटर के सब्जेक्ट को ये एनक्रोच कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है उसके साथ, प्रोमिसरी नोट्स के साथ, लेकिन फिर भी इसका जो ट्रू करेक्टर है लेजिस्लेशन का, उसको हम पूरे कंप्लीट तरीके से देखेंगे, उसका ऑब्जेक्ट देखेंगे, उसका स्कोप देखेंगे, उस इफ़ेक्ट क्या है उस प्रोविज़न का। अब अगर मनी लेंडर से अमाउंट को लिमिट किया जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिकवर जो कर सकते हैं मनी लेंडर, उसको लिमिट किया जा रहा है, तो उसके लिए प्रोमिसरी नोट्स का होना भी तो ज़रूरी है। और प्रोमिसरी नोट्स अगर सेंटर का सब्जेक्ट है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो थोड़ा भी एनक्रोच नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो हो सकता है, वो कोर्ट डिपेंड करता है केस टू केस। एक और केस आता है, केस स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा का केस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मेरा बहुत फेवरेट केस है। अब मुझे ये फेवरेट इसलिए लगता है क्योंकि मैंने ये पहले ही पढ़ा है, और कहाँ पढ़ा है ये आप सब मुझे बताओगे, अब मैंने कहाँ पढ़ा है लेकिन आपको पता होगा क्योंकि आपने भी शायद फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं। फंडामेंटल राइट्स में किस आर्टिकल में आता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, जो प्रोहिबिशन एक्ट होता है वो क्यों होता है और क्या होता है, प्रोहिबिशन एक्ट होता है लिकर की सेल, पोजेशन, या फिर अपने पास रखना, पोजेशन ही हो गया, उसको बैन करने के लिए, ठीक है, प्रोहिबिशन, उसको प्रोहिबिट करने के लिए। तो बॉम्बे ने एक एक्ट बनाया, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, जिसने क्या किया, सेल को, पोजेशन ऑफ लिकर को प्रोहिबिट कर दिया स्टेट के अंदर,
जिसको चैलेंज किया किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये ना इन्होंने, ठीक है इन्होंने कर दिया, लेकिन इसके वजह से क्या होता है, हमारा जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है लिकर का, जो कि सब्जेक्ट मैटर इसका सेंटर का, तो वो एनक्रोच हो रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि इट वॉज कंटेंडेड दैट प्रोहिबिशन, मतलब परचेज यूज पोजिशन एंड सेल सेल ऑफ लिक्वर। अब अगर प्रोहिबिशन हो जाता है तो उसका परचेज भी इफेक्ट होगा, उसका यूज़ भी इफेक्ट होगा, उसका पोजिशन तो रख ही नहीं सकते हैं, सेल तो होगी ही नहीं। तो अगर ये सब नहीं होगा तो लिक्वर का इम्पोर्ट क्यों करेगा स्टेट? और नहीं करेगा तो वो, हाँ मान लिया कि वो एनक्रोच हो रहा है, लेकिन वो करेगा भी क्यों? तो यहाँ पर जो सब्सटेंस है एक्ट का, वो स्टेट लिस्ट के अंदर फॉल करता है, और बहुत बढ़िया एक्ट था। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि कोर्ट ने कहा कि नहीं, बेशक एनक्रोच होता रहे लेकिन ये एक्ट वैलिड रहेगा। ठीक है, तो इसके साथ हमने किया है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। अगर आपको अच्छा लगता है लेक्चर तो अमिका जींस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।